नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी में लॉगिन करने के बाद हम अपने सेल्स परफॉर्मेंस, रिपर्चेज कमीशन, सेल्स कमीशन और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमारा कितना पेंडेंसी बचा हुआ है, कितने एसपी का काम हमें बोनस में और इंसेंटिव में करने हैं, इन सारी चीज़ों का चर्चा हम आज इस सेशन में करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया और लॉगिन करते ही हम देखेंगे, लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक किया हमने। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डैशबोर्ड, प्रोफाइल, जीनेलॉजी, अकाउंट, इसके अलावा ट्रिप बोनांजा, रिपर्चेज, ये सब ऑप्शंस बने हुए हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अकाउंट सेशन में जाएंगे। अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों माय परफॉर्मेंस सेल कमीशन, ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, थोड़ी देर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों देखिए एक विंडो दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर पेड डिटेल्स लिखा हुआ है, डेट फ्रॉम डेट टू, किस डेट से किस डेट तक का आपको सेल्स परफॉर्मेंस आपको देखना है, सेल्स कमीशन कितना मिला है ये आपको देखना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जुलाई से देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने मंथ बस चेंज कर दिया, 11 जुलाई 2020 से 11 सितंबर 2020 तक का। यहाँ शो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शो, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक किए, थोड़ी देर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा सारा सेल्स कमीशन परफॉर्मेंस मेरी क्या है, ये सारी चीज़ दिखाई देने लगी। मेरी कैपिंग क्या है अभी तक, ये दिखाई दे रही है। सेल्स कमीशन देख लीजिए दोस्तों, बोनस अभी तक कितना मिला मुझे, 4500 और 1500। इसके अलावा दोस्तों देखिए टीडीएस कितना कटा है, डाटा मेंटेनेंस चार्ज कितना कट रहा है, ये सारा दिखा के नेट अमाउंट क्या है, ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें मेरा रिपर्चेज कमीशन कितना हुआ है। रिपर्चेज पे क्लिक कर दिए, थोड़ी देर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद रिपर्चेज का कमीशन के लिए हमको यहाँ पे मंथ चेंज करना होगा, या जिस डेट से जिस डेट का आप देखना चाहते हो उस डेट को चेंज कर दीजिए। जैसे मैं जुलाई से सितंबर तक का ही देखना चाहता हूँ। यहाँ पे शो पे मैंने क्लिक किया और शो पे क्लिक करते ही मेरा नीचे में देखिए ये दिखाई दे रहा है मेरा सेल्स कमीशन। देखिए नेट अमाउंट 37, ये मेरा सेल कमीशन है फिलहाल में। रिपर्चेज जो मैंने किया है उसका कमीशन मेरा है। अब दोस्तों फिर अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मुझे बोनस में और इंसेंटिव में कितने एसपी की और ज़रूरत है, ये हम पता करेंगे स्टेप पेंडेंसी ऑप्शन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में एक स्क्रीन आया जो कि स्टेप पेंडेंसी दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए कितना एसपी बोनस में, कितना इंसेंटिव में आपको बनाने हैं, इंसेंटिव में। फिर सेकंड लेवल पर जाने के लिए कितना बोनस में, कितना इंसेंटिव में बनाने हैं। थर्ड लेवल पर जाने के लिए कितना बोनस में, कितना इंसेंटिव बनाने हैं। अब दोस्तों रेस्ट देखने के लिए हम देखते हैं, इसको ड्रैग करते हैं। अभी तक दोस्तों देखिए मेरा बोनस में कितना एसपी का काम हुआ है, 904 और इंसेंटिव में 464। दोस्तों रेस्ट कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा कौन कौन सा लेवल कंप्लीट हुआ है वो दिखाई दे रहा है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और दोस्तों यहाँ देखिए थर्ड लेवल मेरा अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों अब मुझे कितनी सेल पॉइंट की ज़रूरत है इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए, तो बोनस में दोस्तों देखिए 1096 और इंसेंटिव में दोस्तों देखिए यहाँ पर 536, इतने सेल पॉइंट की और ज़रूरत है और मेरा ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।